टेलीविज़न इंडस्ट्री में अवार्ड्स का सीज़न वापस आ गया है। गोल्ड अवार्ड, जी रिश्ते अवार्ड और स्टार परिवार अवार्ड के बाद कल शाम मुंबई में एक और अवार्ड फंक्शन का आयोजन हुआ। कल मुंबई में इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स 2020 का आयोजन हुआ, जहां टेलीविज़न के कई सारे पॉपुलर फेसेस ने शिरकत की। सहीर शेख, एरिका फर्नांडिस, मोहसिन खान, शिवांगी जोशी, हेली शाह, रोहन मेहरा, नमित खन्ना, कनिका मान और निशांत सिंह मलकानी जैसे कई टेलीविज़न एक्टर्स ने रेड कार्पेट पे अपने स्टाइल का जलवा दिखाया। इसके साथ ही कई एक्टर्स ने अवार्ड की ट्रॉफीज़ भी अपने नाम की। सहीर शेख को ये रिश्ते हैं प्यार के लिए बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया, तो वहीं एरिका फर्नांडिस ने कसौटी जिंदगी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस की ट्रॉफी अपने नाम की। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक्टर्स मोहसिन खान और शिवांगी जोशी ने बेस्ट जोड़ी अवार्ड की ट्रॉफी अपने नाम की, तो वहीं राजन शाही के शो अनुपमा को भी ढेर सारे अवार्ड्स मिले। वहीं दिव्यांका त्रिपाठी को मोस्ट पॉपुलर फेस ऑफ इंडियन टेलीविज़न, तो करिश्मा तन्ना को मोस्ट स्टाइलिश एक्टर ऑफ इंडियन टेलीविज़न के अवार्ड से नवाजा गया। कनिका मान और निशांत सिंह मलकानी को मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर्स ऑफ इंडियन टेलीविज़न के अवार्ड से नवाजा गया। वहीं अक्षित सलूजा ने बेस्ट एक्टर ऑफ इंडियन टेलीविज़न, तो रोहन मेहरा ने बेस्ट डेब्यू अवार्ड फॉर वेब सीरीज़ की ट्रॉफीज़ अपने नाम की। इसके अलावा नमित खन्ना को सेक्सीएस्ट मेल ऑफ एशिया की अवार्ड से नवाजा गया। कुंडली भाग के पृथ्वी यानी संजय गंगनानी को बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल, तो सुप्रिया शुक्ला को बेस्ट मदर ऑन स्क्रीन के अवार्ड से नवाजा गया। एक्ट्रेस अशनूर कौर ने मोस्ट स्टाइलिस्ट एक्ट्रेस, तो हेली शाह ने बेस्ट एक्ट्रेस इन नेगेटिव रोल के लिए ट्रॉफीज़ अपने नाम की। शिविंग नारंग को बेहद 2 के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, तो वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस डेजी शाह ने भी ट्रॉफी अपने नाम की।